गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना आज सबसे बड़ा श्राप बन चुका है। हम बच्चे, हम स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन से हम इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, अपना जी जान लगा देते हैं, हमारे फाइनेंशियल फैक्टर्स उसमें इंक्लूड होते हैं, फैमिली फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, हमारा करियर हम हमारा दाव पे लगा के हम इन गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, और बदले में हमें मिलता क्या है? सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट और डिप्रेशन। गवर्नमेंट ने एक ब्लैक होल बना रखा है जिनका नाम है SSC, NTPC और भी जितनी सारी कमीशन से, यहाँ पे बच्चों को भ्रमित करने का और एक इल्यूजन इनके अंदर क्रिएट कर रखा है कि इतने सारे लोगों को हम जॉब तो दे नहीं सकते, ना प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं ना गवर्नमेंट सेक्टर में हम इनको जॉब्स दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये एक प्लान कर रखा है कि बड़े से बड़ी पॉपुलेशन जो एजुकेटेड है हमारे देश की, उसको यहाँ पे लेके आओ, उनको इस गवर्नमेंट एग्जाम का सपना दिखाओ इनको, और यहाँ पे फंसा के रख दो। आप बिलीव नहीं मानोगे, 2012 2013 मतलब 8-8 साल 7-7 साल से बच्चों की बैकलॉग्स लगी हुई है। वो एक लड़का जो M.Tech करके आया हुआ, एक लड़का जो B.Tech करके आया हुआ, वो एक गवर्नमेंट जॉब की क्लर्क की नौकरी तक नहीं ले पाता है। क्यों नहीं ले पाता है? क्यों? उसके अंदर काबिलियत नहीं है, ऐसी बात नहीं है, उसके अंदर बहुत काबिलियत है, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन सारा का सारा फंडा इन गवर्नमेंट एजेंसी ने खराब कर रखा था। ना कभी ये लोग अपना एग्जाम पे टाइम कंडक्ट कर, ना कभी अपना एग्जाम ये टाइम पे कंडक्ट करवाते हैं, ना कभी ये टाइम पे रिजल्ट निकालते हैं, और ज्वाइनिंग के तो आप भूल ही जाइए। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा NTPC का एग्जाम का, 2 साल निकल चुके हैं और अभी तक उसके सिर्फ एक एजेंसी तक उनसे कंफर्म नहीं हो पाई कि हम किस एजेंसी से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, कब वो Tier 1 कराएंगे, कब Tier 2 कराएंगे, कब DV करवाएंगे और कब उनकी ज्वाइनिंग आएगी। आई कांट बिलीव कि हमारा देश किस रास्ते पे जा रहा है। मैंने खुद 2018 CGL का एग्जाम दे रखा है, मेरे 540 का मार्क्स आ रखा है, लेकिन 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और अभी Tier 3 का रिजल्ट नहीं आया। पता नहीं DV कब होगा, पता नहीं फाइनल रिजल्ट कब आएगा, और पता नहीं ज्वाइनिंग कब होगी। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अब हमें उठना पड़ेगा, हमें अपने हक के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। सिर्फ पढ़ाई करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, आपको अपने हक की लड़ाई करनी पड़ेगी। ये एक एडिशनल टायर है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। आपको इस फोर्स से लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं लड़ोगे तो आपका ही करियर खराब होने वाला है, और आपके साथ साथ अगर आप इंडिविजुअल देखते हो तो सिर्फ आप ही का करियर खराब नहीं हो रहा है, पूरे पूरे करोड़ों लोगों का करियर खराब हो रहा है। NTPC के एग्जाम के लिए करीबन 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर रखे हैं, मतलब काफी देशों की इतनी पॉपुलेशन तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कैपेबल नहीं है कि वो एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकती है, वो 130 करोड़ लोगों का इलेक्शन एक साथ में करवा सकती है। तो वो इतने से 2.5 करोड़ लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बेसिकली वो कामचोर बन चुके हैं, उनके पास जेब में पैसा नहीं कि वो पे कर पाए, और इसलिए उन्होंने ये ब्लैक होल बना रखा जिसमें बच्चों को फंसा रखा। तो प्लीज, अब एक टाइम आ चुका है जब हमें एकजुट हो जाना चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए ये NTPC का एग्जाम वाला है या SSC वाला एग्जाम वाला है, ये रेलवे वाला अलग है। हम सबको मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, वरना हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप इस चीज़ को एलैबोरेट करने के लिए ये एक एग्जांपल ले सकते हो कि 1857 के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में देश के अलग अलग कोनों के अंदर हुआ था। अगर वही उसी टाइम पे एक साथ में मिलके पूरे देश अगर एक साथ लड़ता तो शायद हमारा देश कभी गुलाम ही नहीं होता। आज हमारी भी वही कंडीशन है, हम अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग लड़ाई करते हैं। अगर हम सब मिलजुल कर एक साथ में लड़ाई करेंगे तो बिलीव मी, ये 1947 बन जाएगा और हमको इस बीमारी से आज़ादी मिल सकती है। हमें लड़ना ही पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। तो 11 सितंबर को बहुत बड़ी मेगा कैंपेन होने वाली है जिसके अंदर हर एक एजुकेटर, हर एक टीचर, हर एक स्टूडेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। आपको भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो या आप नहीं कर रहे हो, आपका एक नैतिक दायित्व बनता है कि आप एक अच्छे कोर्स को सपोर्ट करो जो कि हमारे देश को दीमक की तरह खाया जा रहा है। हमारा यूथ, जो आज हमारी लाइफ का सबसे प्रीशियस टाइम होता है, जो कि हमारी जवानी होती है, हम इन किताबों के अंदर घिस घिस के निकाल रहे हैं। हम इस उम्र में कुछ और भी कर सकते हैं, हमारे और कुछ भी सपने हैं, लेकिन हम वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ हम किताबों के अंदर ही रह जाते हैं। ऐसा नहीं है हमारे पोटेंशियल नहीं है हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इनकी नाकामियों की वजह से हम हमारे खुद के ऊपर डाउट करने लग जाते हैं और हम अपने आप को बेबस और लाचार समझते हैं। तो दोस्तों, 11 सितंबर को एक बहुत मेगा कैंपेन होने वाली है जिसके अंदर सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक तो है आपका हैशटैग है SSC Declared CGL Result, ठीक है, और एक आपका जो कैंपेन होगा वो होगा स्पीक अप फॉर रेलवे स्टूडेंट्स। तो ये आपको सपोर्ट करना चाहिए, ये हमारे और आपके बेहतर भलाई के लिए है। कल को हमारे जब छोटे भाई भी अगर यहाँ पे आएंगे तो वो भी तैयारी करेंगे, तो वो ऐसा नहीं बोले कि यार भैया आप लोगों ने ये क्या रायता फैला रखा था, आप लोगों ने कभी कुछ किया क्यों नहीं, इतना बड़ा इनजस्टिस आपके साथ हो रहा था। आप दूसरों के ऊपर मत जाइए, आप खुद का लीजिए। आपकी लाइफ का अगर एक साल भी बर्बाद होता है, जो कि आपकी जवानी का टाइम है, आपका बुढ़ापे का टाइम नहीं है, तो वो कितना प्रीशियस टाइम आपके हाथों से निकल के जा रहा है।
हम इंडिविजुअल गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन बिलीव में अगर हम इन 2.5 करोड़ में से 2.5 लाख लोग भी इकट्ठे होकर अगर सड़क पे आ जाएं या सोशल मीडिया पे एक साथ लड़ाई करें, बिलीव में ये गवर्नमेंट अपने घुटने टेक देगी और इनको हमारे सामने अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वाली कैंपेन के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, अपने घर फैमिली मेंबर सबसे कहिए कि इसके अंदर हिस्सा लीजिए, जितने भी मीडिया वगैरह है इसको बॉयकॉट कीजिए, ये कभी हमें सपोर्ट नहीं करती है। एक सुशांत की डेथ हुई तो इन लोगों ने पूरे देश में आतंक मचा दिया, न्यूज़ के अंदर 24 घंटे यही चलता रहता है, यही चलता रहता है। इनको ये नहीं पता है कि हर महीने यहाँ पे कितने सुशांत मर जाते हैं, गवर्नमेंट की तैयारी करते करते बहुत सारे तो सेलेक्ट होने के बाद मर जाते हैं इसी आशा में कि पता नहीं ज्वाइनिंग कब आएगी, और यहीं से वो डिप्रेशन में आके अपनी जान दे देते हैं। तो हम बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हमारा देश बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है। अगर आप अपने देश की भलाई सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो प्लीज़ आपको इस कैंपेन को सपोर्ट करना चाहिए, और आप और मैं ही इस मिल को इस कैंपेन को हम सपोर्ट करके और इसको सक्सेसफुल कर सकते हैं। खाली बैठने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ भी नहीं होगा। कल को जब आपके ऊपर पर्सनल बात आएगी तब आप खुद सोचोगे कि यार काश आज पूरी दुनिया मेरे को सपोर्ट करे। वैसे ही आज हम जितने भी कैंडिडेट्स हैं हम अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं, तो और हम आपको अब हमको आपका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ आप हमको सपोर्ट कर दीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, मिलजुल के हम इस कोज को सक्सेसफुल कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, और आप इस कैंपेन के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए।